मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का। तो हे गाइस, क्या फुकरा इंसान एक्सपोज हो गए हैं? जी हाँ दोस्तों, उनकी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिग बॉस में अगर कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आता है और वो जीत जाता है तो मैं उसको विनर नहीं मानने का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग खुद देखिए फुकरा इंसान ने क्या कहा है। समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का कभी भी, क्योंकि फॉर अ वाइल्ड कार्ड दिस गेम इज वेरी डिफरेंट। समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का कभी भी, क्योंकि फॉर अ वाइल्ड कार्ड दिस गेम इज वेरी डिफरेंट। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ही ली है, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर उनके खुद के दोस्त एल्विश यादव आए हैं। और दोस्तों उन्होंने ये बात क्यों बोल दी है, क्योंकि दोस्तों हमको बिग बॉस के घर के अंदर इन दोनों का भाईचारा खूब दिख रहा है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में, सपोर्ट में, मतलब हर चीज़ में खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि ये दोनों एक दूसरे से हेट कर रहे हैं। मगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि फुकरा इंसान ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी है, और वो भी जब एल्विश यादव एंट्री लेकर आए हैं उसके बाद। खैर दोस्तों, इसी पर आप लोगों को क्या कहना है, अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं कर पाएं। जय हिंद।